वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट बियर एंड स्ट्रॉन्ग बियर। हाँ, आप सुनकर हंसते होंगे, बोले क्या दादा आजकल किस किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, इसमें बड़ा क्या बात है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बियर है उसमें ज्यादा अल्कोहल और जो लाइट बियर है उसमें कम अल्कोहल, इसका ही तो मतलब है ना स्ट्रॉन्ग बियर और लाइट बियर। भाई इतना आसान नहीं है, दोनों में काफी डिफरेंस है और वही मैं आज इस वीडियो से आपको बताने वाला हूं। एक मिनट, आपका ध्यान क्या मेरा कलेक्शन पे जा रहा है? अगर जा रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं एक कलेक्शन वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्द। फ्रेंड्स, पहले जब मैं स्ट्रॉन्ग बियर पिया करता था मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इनिशियल डेज जब मैं बियर पीना शुरू किया था तब मुझे ना वो बहुत बिटर टेस्ट करते थे, मतलब अच्छा नहीं लगता था। बल्कि मुझे लाइट बियर बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि लाइट बियर काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है और जब आप पीते हो तो आपको लगता है कि यार आप बियर पी रहे हो। स्ट्रॉन्ग बियर आपको बिटर टेस्ट के साथ काफ़ी पंच भी देता है, तो इनिशियल डेज मुझे वो पसंद नहीं था, बट आजकल मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, वो अलग बात है आजकल के दिन। तो फिर ऐसा क्यों और क्यों माइल्ड बियर इतनी रिफ्रेशिंग लगती है, तो इसके पीछे अगर मैं जज करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कोर्स अल्कोहल का एक बिटर टेस्ट तो होता ही है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बियर में जो अल्कोहल परसेंटेज है वो हाई होने के कारण आपको शायद ज़्यादा बिटर लगता होगा। जी नहीं, मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले जो मैं आज इस वीडियो सबको शेयर करूंगा, और उन पॉइंट्स में एक बहुत वाइटल पॉइंट है, वो है शुगर। वेल, इंडिया में बहुत सारे बियर मैन्युफैक्चरर हैं जो अक्सर इस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करते हैं अपने बियर पे, या शुगर को यूज करते हैं अपना बियर पे, और इससे अल्कोहल का जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज की जाती है। आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। सो हाउ बियर इज मेड। बियर को बनाने के लिए आपको चाहिए बार्ली। बार्ली को अगर हिंदी में बोलू तो उसको बोलते हैं जौ। आपने देखे होंगे ना गेहूं जौ, जौ से बनाया जाते हैं। जौ को क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं और पानी में उबालने के बाद एक स्वीट लिक्विड मिलते हैं, उस पर्टिकुलर स्वीट लिक्विड को कहा जाता है वर्ट, और उस वर्ट में ईस्ट दिए जाते हैं, और ईस्ट क्या करती है जैसे ही वो स्वीट के कॉन्टैक्ट में आता है तो स्वीट को खाने लगता है वो ईस्ट, और उसके बाय प्रोडक्ट के स्वरूप अल्कोहल जनरेट होते हैं। तो फिर इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में अगर आपका मॉल्ट का क्वांटिटी या बार्ले का क्वांटिटी ज्यादा होगा तब जाके वो ज्यादा अल्कोहल जनरेट करेंगे या अल्कोहल को फॉर्म करेंगे, तब जाके स्ट्रॉन्ग बियर बनेगा। और अगर आपको लाइट बियर बनाना है तो आपको कम मॉल्ट देने पड़ेंगे या बार्ले देने पड़ेंगे। तो अक्सर बड़े बड़े कंपनीज जो इंडिया में अवेलेबल है वो अपना बियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉल्टेड बार्ली को ज्यादा नहीं देते हैं, देते हैं शुगर को, ज्यादा करके शुगर को ऐड कर देते हैं, सो दैट वो इसके साथ कॉन्टैक्ट होकर बहुत ज्यादा अल्कोहल जनरेट करे। बट ये बहुत अनफेयर है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो पर्पसली शुगर को मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग बियर को बनाने के लिए। क्यों करते हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है, ज्यादा मॉल्टेड बार्ली अगर देंगे तो इसका जो प्राइस है बहुत हाई हो जाएगा, इसके बदले ये लोग शुगर को ऐड करते हैं। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है कि हम लोग जब बियर को पीते हैं स्ट्रॉन्ग बियर को स्पेशली, तो वो जो बिटर टेस्ट करता है उसके पीछे का राज क्या है, क्या रिएक्ट करता है शुगर उसके साथ। अगर आप कोई भी मॉल्ट या कोई भी फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ बियर बनाते हो तो क्या होता है, ईस्ट उसको खाता है और अल्कोहल जनरेट करता है, बट एट द एंड जब ईस्ट पूरा जो फ्रूट्स एंड मॉल्ट है जिससे भी आप बना रहे हो वो अगर खा लेता है तो लास्ट में वो जो फ्रूट एंड मॉल्ट से बना हुआ चीज़ है उसका ना आफ्टर टेस्ट रह जाता है थोड़ा बहुत, उस पर्टिकुलर आफ्टर टेस्ट आपका बियर में ऐड होता है एज अ फ्लेवर। बट क्या होता है ना, शुगर को जब कोई कंपनी पर्पसली ऐड करता है तो शुगर को भी तो खाने लगता है ईस्ट, एंड जब खत्म होता है तो शुगर का कोई आफ्टर टेस्ट नहीं रहता है। अल्कोहल तो इंक्रीज हो रहा है बट आफ्टर टेस्ट ना होने के कारण, मतलब कि शुगर में तो कोई सिर्फ मिठास के सिवा और कुछ भी नहीं है, आफ्टर टेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो क्या होता है यूजुअली आपको एक बिटर टेस्ट मिलता है जब आप पीते हो वो स्ट्रॉन्ग बियर को। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि शुगर यूज करने का एक ही कारण है, क्योंकि ये बहुत चीपर है एज कम्पेयर टू मॉल्टेड बार्ली, तो अक्सर कंपनी अल्कोहल को इंक्रीज करने के लिए शुगर का इस्तेमाल करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बियर में शुगर है या नहीं है, तो फिर
मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, जो भी बियर आप खरीदेंगे मार्केट से, आप उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको दिख जाएगा शुगर। फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसे बहुत ब्रांड हैं जो नेचुरली यू नो अल्कोहल परसेंटेज को हाई करते हैं माल्ट के जरिए, और वो ब्रांड भी अवेलेबल है, ऐसा बात नहीं है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया कि भाई स्ट्रॉन्ग बियर पीना तो अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, बट उसके पीछे का राज क्या है ये जाने। और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, बियर का जो अल्कोहलिक परसेंटेज आप अगर नोटिस करेंगे प्रॉपरली तो देखेंगे कि माइल्ड बियर मतलब लाइट्स बियर में जो होता है 4% अल्कोहल है ना, और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% अल्कोहल, आप तो यही जानते हैं ना। बट अच्छा करके नोटिस करके देखिए, 8% मतलब स्ट्रॉन्ग बियर में जो लिखा रहता है 8% अल्कोहल, वो लिखा रहता है अप टू 8%। इसका मतलब ये हुआ वो 4 से ज़्यादा हो सकता है, 5B 6B 7B हो सकता है, बट टिल अप टू मतलब ये क्लियर नहीं है कि कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल उस पर्टिकुलर बियर में है, ये थोड़ा सा घोटाला है। बट कुछ कुछ ब्रांड में डायरेक्टली लिखा रहता है, बट अगर आप कभी भी ये नोटिस नहीं किया तो नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बेटर कंज्यूमर बनना है और सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ रहना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।